नमस्कार बच्चों, बेडियन पब्लिक स्कूल के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा सातवीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वसंत भाग दो। बच्चों, हम इस पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे, जिसका नाम है दादी माँ। हमने इस पिछली वीडियो में इसका कुछ भाग पढ़ लिया था, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। लेखक कह रहा कि मुझे भी पास की एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर निकाल बाहर किया जाऊंगा। क्योंकि क्यों कह रहा ऐसा लेखक, क्योंकि किशन भैया की शादी चल रही है, वहां पर औरतें हैं, गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, अभिनय कर रही हैं, तो उससे लेखक को औरतों ने लेखक से आपत्ति है। तो कह रहा है कि कहीं जोर से अगर हंसी न आ जाए तो बाहर निकाल किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। आगे देखो, देवू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। दादी माँ उस पर बिगड़ गई कि लड़के से क्यों मुंह लग रही हो आप। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ के छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। आगे देखो, स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। तो लेखक ने अपनी दादी माँ को कैसा बताया है, स्नेह और ममता की मूर्ति, साक्षात स्नेह और ममता की देवी कहकर लेखक संबोधित कर रहे हैं अपनी दादी माँ को। और वास्तव में थी भी ऐसी, परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, क्यों संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, जो लेखक के दादा थे उन्होंने लेखक की दादी को धोखा दिया था। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादी की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी, यानी बिगाड़ दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, अतुल होता है जिसकी तुलना नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में संपत्ति यानी रुपये पैसा व्यय होता खर्च करना, यानी दादाजी की मृत्यु, लेखक के जब दादाजी की मृत्यु हुई तो उसके पिताजी ने उसके श्राद्ध में अतुल संपत्ति यानी बहुत ही धन पैसे रुपये पैसा खर्च किया। वह घर की तो थी ही नहीं, क्योंकि बाहर से आया था वो पैसा। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती, क्यों माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ लेखक से कह रही है कि तू यहाँ मेरे पास क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना,
मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक कह रहा है कि दादी माँ से कि दादी माँ मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बताओगी? आगे देखो क्या है पूछ। दादी माँ कह रही है कि पूछो क्या बात है, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना भी नहीं खाया। न चल चल धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। वे आगे देखो, वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने रोने से हो गए। आगे देखो, रोता क्यों है रे दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है, उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपने घिनौने काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। मैंने शुरुआत में बताया था जो लेखक है इस पाठ के, उनको अपने भैया का, उनके भैया का नाम था किशन, यानी उनके द्वारा एक पत्र मिला, अपने भाई का एक पत्र मिला और उस पत्र को पढ़कर लेखक अपनी दादी माँ को याद कर रहा है। और जो धुंधली छाया थी वो अब विलीन हो गई, यानी दिन काफी चढ़ गया है। आगे देखो, हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चीटियों से कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। लेखक को भाव यह है कि लेखक को अब भी विश्वास नहीं है कि उसकी दादी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई है। यानी दादी माँ और लेखक के बीच अथाह प्रेम था, बहुत ज्यादा प्रेम करती थी लेखक की दादी माँ लेखक से, और उसी यादों के सहारे। यही कारण है कि लेखक को जो उसकी दादी माँ है की याद हमेशा आती है। बच्चों, इस लेखक इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, ये नीचे लिखा है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके अभ्यास के प्रश्न आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे। एक बार आप फिर दोबारा इस पाठ को पढ़ना, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।